हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अभी हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कैसे होता है जो आपकी पूरी फार्माकोकाइनेटिक होती है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग पे, तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। इसमें हमने बताया था एडमिनिस्ट्रेशन रीच्ड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ड्रग हमारी ब्लड में पहुँच रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच रही है, उसको बोल रहे थे हम एब्जॉर्प्शन। अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारी ड्रग साइट से ब्लड में पहुंच गई है, अब ब्लड के बाद हमारा चालू होगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको समझेंगे हम आज, ठीक है। तो पहले थोड़ा डिफिनीशन की बात कर लें हम। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनीशन क्या है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का, इट इज डिफाइंड एज द रिवर्सिबल ट्रांसफर, ठीक है, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड अनदर कंपार्टमेंट, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारी जो बॉडी है वो कंपार्टमेंट में डिवाइड की गई है। मान लो आपका ब्लड हो गया, एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट हो गए, उसके बाद आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हो गए, ठीक है। तो बहुत डिफरेंट सारे कंपार्टमेंट हैं, उसी के बारे में बात करेंगे कि जो ब्लड में हमारी ड्रग जाती है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ रिवर्सिबल ट्रांसफर। रिवर्सिबल ट्रांसफर का भी हम अभी जब इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिवर्सिबल ट्रांसफर इसमें आप ये समझ लीजिए, हमारी ड्रग ब्लड में गई और ब्लड के पहुंचने के बाद ब्लड में वो आपकी टिश्यू में चली गई, सेल में चली गई, ऑर्गन में चली गई, सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। बात आ गई क्लियर में, क्लियर समझ में। हमारी ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ब्लड में आ रही थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ब्लड से हमारी टिश्यू में चली जाती है, ऑर्गन में चली जाती है, एंड हमारी जो सेल्स हैं उनके अंदर पहुंच जाती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, हम देखेंगे जरा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग की बात करें तो हम केवल ब्लड की बात करेंगे। हमने एग्जांपल लिया हुआ है, एक हमारा शरीर है, ठीक है। ये क्या है, एक हमने हाइपोथेटिकल एक बॉडी का बनाया हुआ है, ये हमारा एक शरीर है, बॉडी है। अब इसमें क्या है, ये हमारा ब्लड है भाई, ठीक है, रुधिर। अब ब्लड में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अपना आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्लड में हम डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहे हैं जिसमें मेडिसिन है, दवा है हमारी, ठीक है। अब उस ब्लड में आपके जो वाइट वाइट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपकी है प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। जो वाइट वाइट है वो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है, और जो आपका येलो कलर है, और जो आपका येलो कलर है वो आपका है ड्रग, ड्रग मॉलिक्यूल है भाई। ड्रग आपने इंजेक्ट कर दी है ब्लड में, और ब्लड में आपका प्लाज्मा प्रोटीन है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे ड्रग के क्या हो गए, वो बाइंड हो गए हमारा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, लाइक दिस, ठीक है। बात आ रही समझ में, ड्रग के कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए बाइंड हो गए वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से, और कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में है, लाइक दिस, ये देखो फ्री फॉर्म में घूम रहे हैं ना, किसी से बाइंड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रग के हमारे बाइंड हो गए प्लाज्मा प्रोटीन से, और कुछ हमारे फ्री घूम रहे हैं। अब बात आगे की करते हैं, जो हमारे फ्री घूम रहे हैं मॉलिक्यूल्स, लाइक दिस, ठीक है, आपका जो येलो कलर से था वो ड्रग था, लाइक दिस, ये वाले, ये फ्री घूम रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, ये आराम से बिल्कुल फ्री ब्लड में घूम रहे हैं। अब जो फ्री मॉलिक्यूल्स घूम रहा है आपका ड्रग का, वही आपका जाएगा बॉडी में। बात आगे समझ में, बॉडी का मतलब है जो आपके कंपार्टमेंट है उसमें एंट्री कौन करेगा, वो करेगा आपका फ्री मॉलिक्यूल्स। बाइंडिंग जो मॉलिक्यूल्स है आपका प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो चुका है, वो आपका आगे नहीं जाएगा, वो एज सच वहीं पे बंद हो जाएगा, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक इनर्ट हो जाएगा वो। इतनी बात आगे समझ में, तो ब्लड से आपका जो कंपार्टमेंट पे मूवमेंट हो रहा है किसका हो रहा है, हो रहा है फ्री मॉलिक्यूल, जिसकी बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन से जिसकी बाइंडिंग नहीं हुई है। थोड़ा सा और समझ लो आप, ये देखो येलो कलर के हैं ये किसी के साथ बाइंड नहीं हुए हैं, बिल्कुल फ्री फॉर्म में हैं ये, ठीक है। अगर एग्जांपल की दूसरी बात करें हम, ये वाले जो मैंने बताए थे आपको, ये देखो बाइंड हो गए इनके साथ, ठीक है, ये आपका प्लाज्मा प्रोटीन है और ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल है। बात आ गई समझ में। अब देखो क्या हुआ, जो हमारे फ्री मॉलिक्यूल्स हैं वो भाई ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में है, अब वो क्या हुआ, अब भाई कंपार्टमेंट में उनका मूवमेंट चालू हो गया, ठीक है, कंपार्टमेंट में उनका मूवमेंट चालू हो गया, देख रहे हो आप यहाँ पे डॉट डॉट, ठीक है, ये ड्रग है हमारी येलो कलर से। अब कंपार्टमेंट से मूवमेंट चालू हो गया हमारा, ब्लड से कंपार्टमेंट में आने लगी हमारी दवा,
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में चली गई वो, ठीक है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में चली गई, उसके अलावा जो अदर कंपार्टमेंट्स है आपके बॉडी में लाइक सिनोवियल फ्लूइड्स है, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स है आपके, और आपका प्लेसेंटा फेटस होता है, उस कंपार्टमेंट में जो आपकी ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई जाके। इतनी बात समझ में आ गई। बात आपको समझना है जो लॉजिकल इसमें कॉन्सेप्ट है वो है आपका, जो ड्रग आपकी फ्री फॉर्म में होगी ब्लड में वही आगे मूवमेंट करेगी, और जो वही आपका फार्माकोलॉजिकल फार्माकोडायनेमिक आपकी वही एक्टिव होगी। जो ड्रग यहाँ पे बाइंड हो चुकी है आपकी प्लाज्मा प्रोटीन से वो फार्माकोलॉजिकल इनर्ट हो जाएगी, उसका कोई एक्शन नहीं होगा, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। अब बात आती है भाई, जब ये बाइंड हो गई है अब ये एज यूज होगी एज ए स्टोरेज कैपेसिटी। किस तरह यूज होगी? ये होगी आपका एज ए स्टोरेज कैपेसिटी। इसका मतलब है जब आपका, अब जैसे मान लो आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स ये मूवमेंट हो रहे हैं, अदर कंपार्टमेंट में पहुंचे, आपका इंट्रासेलुलर में पहुंचे और आपका एक्स्ट्रा सेलुलर में पहुंचे, अब कब तक जाती रहेगी दवा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी ब्लड से दवा कब तक पहुंचेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक पहुंचेगी तब तक आपका इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन नहीं हो जाता। इसका मतलब होता है जब आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट मींस जितना कंसंट्रेशन यहाँ है उतना आपका टिश्यू सेल या फिर किसी ऑर्गन में होना चाहिए, तभी वो ड्रग का मूवमेंट बंद हो जाएगा। इसमें लगता है आपका पैसिव डिफ्यूजन। कौन सा लगेगा? इसमें आपका लगेगा पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई मूवमेंट क्या होता है, हाई टू लो, ठीक है। आपने डायरेक्ट इंजेक्शन दिया ब्लड में तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ड्रग का क्या है, ज्यादा है, हाई है। लो कहाँ पे है? आपका यहाँ पे इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में है, ठीक है, और आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स में है, अदर कंपार्टमेंट्स लाइक आपका फेटस है, सीएसएफ है, यहाँ पे क्या है, ड्रग अभी पहुंची नहीं है, यहाँ पे नील है। जब अब ये ड्रग यहाँ से मूवमेंट करेगी जब दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो जाएगी, दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, तब जो आपकी ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होना बंद हो जाएगी, ठीक है। बात आ गई समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, जो फ्री आपकी फ्री फॉर्म में ड्रग थी उसका मूवमेंट हो गया भैया, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, काम हो गया उसका, मेटाबोलाइज हो गया, एक्सक्रीट हो गई। अब जो बाइंड ड्रग है वो क्या होगी? अब जो फ्री फॉर्म की ड्रग है वो मेटाबोलिज्म हो गया, एक्सक्रीट आउट हो गई। अब जो आपकी आपकी अब वो रिलीज होना चालू हो जाएगी, जो आपकी अनबाउंड थी फ्री फॉर्म में थी उसका मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीट होकर बाहर चली गई। अब जो हमारी स्टोरेज में ड्रग रखी हुई है जो मतलब बाउंड फॉर्म में है, अब वो रिलीज होना चालू हो जाएगी, ठीक है। अब वो क्या होगी? वो रिलीज होना यहां से चालू हो जाएगी, रिलीज हो गई। अब सेम प्रोसेस होगा, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं मेंटेन होगा तब तक ड्रग रिलीज होती रहेगी, पर एक टाइम ऐसा होगा कि दोनों का जो आपका कंसंट्रेशन है वो मेंटेन हो जाएगा, जितनी ड्रग आपकी ब्लड में है उतनी आपकी दूसरे कंपार्टमेंट हमारा जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बंद हो जाएगा। पहले आपने समझ लिया जो फ्री फॉर्म में ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसके बाद जो बाउंड ड्रग है आपकी एज ए स्टोरेज की तरह काम करती है, उसके बाद क्या हुआ, जो आपकी बाउंड ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो गई। इतना आगे समझ में? अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला की। बिल्कुल सिंपल सा है, आपकी बॉडी में ड्रग पहुंचेगी ब्लड में और ब्लड से डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगी, जब तक वो हर जगह पे सेम उसका कंसंट्रेशन नहीं आ जाएगा तब तक ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। सिंपल सा फंडा है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है हमारा डोज एडमिनिस्टर्ड आईवी, मतलब इंट्रावेनस। मैंने बोला था आपसे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब ब्लड की बात करें, डायरेक्ट कहाँ जाएगी हमारी ड्रग, वो डायरेक्ट जा रही थी आईवी में, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमने ओरल बताया था आपको, ओरल के अलावा और सारे रूट हो सकते हैं बट उसमें एक्सक्लूडिंग आईवी। बट अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो हम पेरेंट्रल की बात कर रहे हैं, आईवी की बात कर रहे हैं, इंट्रावेनस की बात करें जो डायरेक्ट आपके ब्लड में पहुंच रहा है। फॉर्मूले की बात करें तो डोज एडमिनिस्टर्ड आईवी, मतलब आईवी में कितनी डोज दे रहे हो और आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, आपकी लिपिड सॉल्युबिलिटी है, इसके अलावा है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, और इसके अलावा है रीजनल ब्लड फ्लो, ठीक है। इसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करें। जो ड्रग में फैक्टर है वो आपका पहला है लिपिड सॉल्युबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेडिक्शन लगाइए जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो क्यों रखा गया है। देखो लिपिड सॉल्युबिलिटी सबसे मेजर फैक्टर इसलिए रखा गया है, जब हमारा कोई बॉडी का ऑर्गन है, कोई टिश्यू है, ठीक है, कोई सेल है, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है लाइक दिस, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? वो बनी है हमारी लिपिड से। बात आ गई समझ में? लिपिड से बनी है। तो इसमें अगर हमने किसी ड्रग को सेल के अंदर डालना है, अल्टीमेटली आप ड्रग ले रहे हो तो वो इंट्रासेलुलर या फिर एक्स्ट्रासेलुलर में रहेगी, ठीक है। अगर मान लो सेल के अंदर एंट्री करना है आपकी ड्रग को, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपकी ड्रग है वो क्या होनी चाहिए, वो लिपिड नेचर की होनी चाहिए,
ठीक है। अगर वाटर वाटर लविंग हो जाएगी, वाटर सोल्यूबल हो जाएगी, तो क्या होगा, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपकी क्रॉस नहीं कर पाएगी वो ड्रग। जब क्रॉस नहीं कर पाएगी तो आपको अल्टीमेटली एक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर लिपिड की सॉल्युबिलिटी, अगर किसी ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी है, मतलब जो आपकी लिपिड सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, जितनी अच्छी लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग की होगी उतना अच्छा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बात आ गई समझ में? क्योंकि मैंने बताया आपको लिपिड नेचर का है, और लिपिड मतलब तेल, तेल तेल में ही घुलेगा, तेल पानी में घुलेगा नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो लिपिड नेचर की अगर ड्रग है तो अच्छी उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर? अब दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो हमारा है PPB। PPB का मतलब है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मैंने बताया आपको, मैंने बताया था जब आप किसी ड्रग को ब्लड में डाल रहे हो थ्रू IV, तो उसमें क्या होता है, आपके ब्लड में यहाँ पे ध्यान से देखना आप, ये जो व्हाइट कलर के हैं ये आपके क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक आपका एल्बुमिन, ठीक है, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। अगर कोई ड्रग आपकी बाइंड हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन से तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। मैंने बताया आपको वो फार्माकोलॉजिकल इनर्ट हो जाएगी अगर वो बाइंड कर गई किससे, आपका ड्रग मॉलिक्यूल ये है और इससे बाइंड कर जाए प्लाज्मा प्रोटीन से, तो क्या होगा, उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, नहीं होगा, वो फार्माकोलॉजिकल इनर्ट हो जाएगी। अगर वही ड्रग आपकी फ्री फॉर्म में हो जाए, आपने ड्रग डाला और कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रग के फ्री फॉर्म में चले गए, फ्री फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके बॉडी में जाएंगे, जो आपके कंपार्टमेंट हैं वेरियस कंपार्टमेंट वहां पे ट्रेवल करेंगे और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो। इतना आगे समझ में? अगर हम बात करें एल्बुमिन से कौन सी ड्रग बाइंड होंगी, अगर एल्बुमिन है आपका कैटेगरी की ड्रग है, लाइक आपकी मॉर्फिन है, क्विनिन है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये किससे बाइंड होंगी, ये होंगी आपकी अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन्स। आपको याद रखना है एल्बुमिन एसिडिक ड्रग, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन से कौन सी होंगी, आपकी बेसिक ड्रग। क्लियर? ये आपको याद रखना है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं हम जो हमारा तीसरा है पॉइंट नंबर फैक्टर है, रीजनल ब्लड फ्लो का मतलब होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे हमारे टिश्यूज हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा शरीर है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो सब जगह कॉन्स्टेंट नहीं है, हर जगह पे एक जैसा फ्लो नहीं कर रहा है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। बहुत सारे ऑर्गन है, हाई ब्लड परफ्यूज टिश्यू है, लाइक आपका किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, तो इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड का फ्लो है वो बहुत तेज हो रहा है अगर हम कंपेयर करें दूसरे से, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो हमारे क्या है, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत तेज हो रहा है, और जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा है, बहुत तेज है, वहाँ पे आपका वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। बात आ गई समझ में? ब्लड फ्लो बढ़ा दीजिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो ड्रग का है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। नया टर्म आया यहाँ पे, अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया, अब आता है बात रीडिस्ट्रीब्यूशन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कौन से ड्रग्स का होगा, आप समझ लीजिए, ऐसी ड्रग जो आपकी लिपिड नेचर की हैं, हाईली लिपिड, उसके बाद अनआयोनाइज्ड, ठीक है, और जो साइज है उनका वो कम होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। ऐसी ड्रग जो आपकी साइज उनका कम है, उसके अलावा अनआयोनाइज्ड है, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, और इसके अलावा हाई लिपिड नेचर की ड्रग है। अगर इन ड्रग के साथ में क्या होता है, मान लो आपका ये ड्रग आपकी किडनी में पहुंची और किडनी के अलावा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वहाँ पे क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है और आपकी जो ड्रग है वो हाई लिपिड नेचर की है, उसके अलावा कुछ आपके ऑर्गन्स होते हैं जिसमें लो ब्लड फ्लो होता है, लाइक आपका कोई मसल हो गया, ठीक है, मसल में, तो ड्रग क्या होता है, पहले किडनी में गया, उसके बाद वो फिर आपका लो, जहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो रहा है वहाँ पे वो ड्रग चली जाती है। इसलिए बोला था मैंने रिवर्सिबल ट्रांसफर। रिवर्सिबल का मतलब होता है आपकी पहले किडनी में आई ड्रग और उसके बाद मसल्स में चली गई, फिर मसल के बाद किडनी में चली गई, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल ट्रांसफर। क्लियर? बात आ गई समझ में? रीडिस्ट्रीब्यूशन कौन सी ड्रग्स का होगा, ऐसी ड्रग जो हाईली लिपिड सॉल्युबल है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है और जिसका साइज है वो कम होगा।
उससे पहुंच के जो आपकी लेस वेस्कुलरिटी है, जहाँ पे लेस ब्लड फ्लो, वहाँ पे ड्रग पहुंच गई, तो उस केस में क्या होता है, जो आपके ड्रग का एक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। हमें ड्रग का कंसंट्रेशन चाहिए था हाइपरफ्यूज टिश्यू लाइक किडनी में, और वो पहुंच गया हमारा किसी बल्कि मसल्स में, तो जो ड्रग का एक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। और समझ लो, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दो चीज़ें और आती हैं इसमें। क्या आती हैं कि आपके बॉडी में बहुत सारे बैरियर्स लगे हुए हैं, ठीक है। लाइक आपका, अगर हम बैरियर्स की बात करें तो, ठीक है, फेटल बैरियर एंड ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका मतलब होता है कि कुछ ड्रग्स हमारी होती हैं वो आपकी ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, और आपका जो फेटल है उसको क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। अगर कोई ड्रग आपकी ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पा रही, इसका मतलब वो नेचर उसका जो है सोल्युबल है, आयनाइज्ड फॉर्म में, और जो उसका साइज है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ट्रिपल बी को कौन क्रॉस करेगा, और आपका जो प्लेसेंटा बैरियर लगा हुआ है उसको कौन क्रॉस करेगा। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए ड्रग के पास, तो उस ड्रग के पास होना चाहिए लिपिड सॉल्युबिलिटी, अनआयनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको ड्रग में चाहिए जो साइज है उसका, पार्टिकल साइज है, वो साइज होना चाहिए स्मॉल, ठीक है। अगर तीन चीजें हैं ड्रग के पास तो वो आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन उसका बहुत ज्यादा होगा, प्लेसेंटा बैरियर को भी क्रॉस कर जाएगी, और इसके अलावा जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, जो मेडिसिन आपको ब्रेन में पहुंचाना है, वो आराम से क्रॉस कर जाएगी। एक चीज और है आपका, अगर हम ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करें तो एक टर्म आता है CTZ, कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन, इसमें आपका ट्रिपल बी नहीं होता है। अगर हम बात करें ट्रिपल बी की, जो आपकी एक जंक्शन, ये बहुत टाइट जंक्शन होते हैं जिसकी वजह से ड्रग्स क्रॉस नहीं कर पाती इजिली, तो अगर ड्रग में लिपिड सॉल्युबिलिटी है, आयनाइज्ड फॉर्म में है, साइज उसका कम है, तो इजिली वो ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाएगी। बट इन केस ऑफ CTZ ऐसा नहीं है। CTZ के केस में क्या है, जो ड्रग आपकी लिपिड सॉल्युबल नहीं है, आयनाइज्ड फॉर्म में है, वो भी आपका CTZ तक पहुंच जाती है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द ड्रग कॉज वॉमिटिंग एंड नोजिया। आप फार्माकोलॉजी में पढ़े होंगे, कोई भी ड्रग आप पढ़ते हो, वो वाटर सॉल्युबल है चाहे लिपिड सॉल्युबल है, तो उसमें लिखा होता है नोजिया वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग। नोजिया वॉमिटिंग का मतलब है कि ड्रग आपका CTZ तक पहुंच रही है, CTZ एंड NTS, ठीक है, CTZ एंड NTS, तो CTZ तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब है वो आपकी चाहे लिपिड सॉल्युबल हो चाहे वाटर सॉल्युबल हो, वो आपका नोजिया वॉमिटिंग कॉज कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।